अब बीपीटी के दो कोरोलरी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बाबू, बीपीटी में हम लोग क्या देखें कि जब कोई एक ट्रायंगल में कोई भी एक पैरेलल लाइन तीसरे वाले साइड्स के क्या होता है, पैरेलल होता है, तो उसके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं बाबू, इक्वल होते हैं। जैसे हमारे पास गिवेन क्या होता था, गिवेन हमारे पास ये होता था कि जो डी ई है पैरेलल है बी सी के, तो हम लोग साबित क्या कर देते थे कि जो ए डी बटा में डी बी है वह इक्वल है ए ई बटा में ई सी के, ठीक है, ये हम लोग प्रूफ करते थे। तो इसी का कोरोलैरी दो है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोरोलैरी, कोरोलैरी समझ रहे ना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सब थ्योरम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोरोलैरी हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए बाबू, आप मैथ का रूल तो जानते हैं ना, ए डी बाई डी बी है और ए ई बाई क्या है बाबू, ई सी है। तो आप अपने मर्जी से किसी भी फ्रैक्शन में कुछ भी जोड़ घटाओ गुना भाग कर सकते हो, लेकिन सेम सेम डिजिट जो भी आप करना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बाबू, ऐड वन इन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, वन को जोड़ रहे हैं। तो अगर हम कहें तो ए डी बाई डी बी प्लस वन, और यहाँ से ए ई बाई ई सी प्लस वन, दोनों साइड जोड़ लिए, क्योंकि वन वन कट के फिर से हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो वन, यहाँ भी कुछ नहीं है वन, तो डी बी हमारा एलसीएम हो जाएगा, डी बी से डी बी कट जाएगा, ए डी हो जाएगा, वन से डी बी कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें तो ई सी हमारे पास आ गया, ई सी से ई सी कट गया, ए ई हो गया, और वन से ई सी कट गया, यहाँ पर क्या हो गया, ई सी हो गया, समझ रहे ना। अब देखिए बाबू, ए डी, ए डी और डी बी ये मिल के पूरा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या, डी बी। उसी तरह से अगर हम बात करें तो ए ई और ई सी मिल के पूरा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा और ई सी, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन चारों में से, जैसे आपको पहला क्या है, ए डी है, डी बी है, ए ई है और क्या है बाबू, ई सी है, इस चारों में से कोई भी तीन वैल्यू देगा और एक आपसे पूछेगा, तो आप इस वाले रेशियो को फॉलो करेंगे। अगर उसी तरह से हम कहें कि यहाँ से ए बी, ठीक है, ए बी हो गया, डी बी हो गया, ठीक है, ए सी हो गया और ई सी हो गया, इस चारों में से कोई भी तीन देगा तो आप इस रेशियो को फॉलो करेंगे। अब देखिए हम लोग ये फर्स्ट केस पढ़ें, केस नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब केस नंबर सेकेंड को भी देख लेते हैं। देखिए बाबू, अगर सेकेंड की बात करें तो आपको पता ना, फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो अब की बार ये जो डी बी नीचे है उस डी बी को हम ऊपर कर देते हैं और ए डी को नीचे कर लेते हैं, ठीक है, और फिर से वन जोड़ लेते हैं, क्लियर है ना। और उसी तरह से ए सी को ऊपर कर लेते हैं और ए ई को नीचे कर लेते हैं और फिर से क्या कर लेते हैं बाबू, वन जोड़ लेते हैं। देखिए अगर हम कहें कि अब की बार हमारा क्या एलसीएम हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, तो ये डी बी हो गया, समझ रहे हैं, डी बी हो गया, और वन से ए डी कट जाएगा तो फिर से आपको क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, क्लियर। उसी तरह से अगर बाबू बात करें, यहाँ पर कुछ नहीं तो वन है तो ए ई हो गया, तो यहाँ से ए सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। अब देखिए डी बी, डी बी और ए डी फिर से मिलके आपको क्या हो जाएगा, ए बी बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया बाबू, ए डी हो गया। उसी तरह से यहाँ से समझिएगा ए ई, ठीक है, यहाँ सॉरी कुछ गलत हुआ है क्या, ई सी है बाबू, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है, ई सी है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ई सी हो जा रहा है। अब देखिए ई सी और ए ई मिल के आपको क्या बना देगा, ए सी बना देगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। तो दूसरा हमारे पास क्या आ गया कि अगर इन चारों में से ए बी, ए डी, ए सी और ए ई, इन चारों में से कोई भी रहेगा तो एक आप निकालोगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ से, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ऐसे ही ये बेसिक बस इतना ही दूर तक है, ठीक है। अगर हम कहें कि ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है और ये सिक्स, सॉरी ये फाइव नहीं है, ये डी है और ये आपका क्या है बाबू, ई है। आपको कह रहा है कि इसमें से ई सी निकालिए, तो आपको पता है ना कि जो ए डी, ए डी बटा में डी बी और बराबर ए ई बटा में क्या बाबू, ई सी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं।
AD के जगह पर 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, AE के जगह पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर EC का EC लिखेंगे, क्योंकि आपसे EC पूछ रहा है। अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, EC गुने 3 EC और बराबर 5 हो जाए कितना बाबू 20 हो जाएगा, और इस तरह से EC का वैल्यू कितना आ गया 20/3 आ गया। तो ऐसे इससे आप समझिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर भी 4 बन गया और यहाँ पर भी 4 बन गया। अब आपको समझना है कि इसमें से कौन से रेशियो को यूज करेंगे। पहला तो हमारा BPT है, दूसरा अगर हम बात करें तो उसी का कोरोलरी है, और तीसरे की अगर बात करें तो ये भी आपको क्या है कोरोलरी है। ठीक है, तो इतना दूर तक हम इंट्रोडक्शन को देखे हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक कन्वर्स ऑफ BPT है, और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे इसके यूज को पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए भाई यहाँ तक देख लिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं।